हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि रीड पट्टी बनाना सिखाइए, रीड पट्टी का मेजरमेंट दीजिए, रीड पट्टी कैसे बनाई जाती है। तो आज ये वीडियो लेकर हम आ गए हैं, तो रीड पट्टी का सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अभी इस वीडियो में आपको ये वाले वेंजो का जो रीड पट्टी है उसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हम देने का ट्राई करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए ये ऊपर का जो बटन पट्टी है हमारे बैंजो का, तो वो हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा रीड पट्टी एक्सपोज हो जाए। गाइस, रीड पट्टी बनाने के लिए आपको इस तरह की एक पट्टी ले लेनी है जो कि 24 इंच लंबी होनी चाहिए। 24 इंच लंबे पट्टी को आपको इस तरह से एलिवेशन देना है कि वो पट्टी बाहर के साइड 17 mm हो और आगे के साइड 11 mm हो। जैसे कि आप देख सकते हो जो पट्टी है हमारा यहाँ पे जाड़ा है थोड़ा, और आगे आगे जैसे ही जाते हैं हम तो उसका लेंथ थोड़ा कम होता है। और रही बात ये हमारे रीड यहाँ पे जो दांत आते हैं हमारे, इसका मेजरमेंट आपको आगे स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे सारे रीड पट्टी के मेजरमेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, लकड़ी के पट्टी को एलिवेशन देकर आपको रेडी कर लेना है, वो आप रंधे के मदद से कर सकते हैं। वो चीज़ होने के बाद हमें हमारे रीड पट्टी पर जो दांत ठोकते हैं हम, उसका आपको दांत रेडी कर लेना है साथ। ये दांत आप लोखंड के भी बना सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं। ये दांत बनाने के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप रैंडमली ऐसे ही 8 mm के दांत बना सकते हैं नॉर्मल लेवल पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले एक स्क्रीनशॉट के मदद से आपको रीड पट्टी के सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो सारे मेजरमेंट्स के हिसाब से आपको रीड पट्टी पर पेंसिल से मार्क कर लेना है। तो अभी तक आपका रीड पट्टी भी रेडी है लकड़े का, और आपके दांत भी बनाकर रेडी है, तो पेंसिल का मार्किंग भी हो चुका है। तो आगे बात आती है कि इस दांतों को रीड पट्टी पे ठोका कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको एक एक्सो ब्लेड ले लेना है, और आपके पेंसिल के जो मेजरमेंट्स है उस पर आपको एक्सो ब्लेड से थोड़ा कम से कम 2-3 mm तक कट कर लेना है अंदर। ऐसे ही सारे पेंसिल के मेजरमेंट्स आपको एक्सो ब्लेड से 2-3 mm आपको अंदर कट कर लेने हैं। तो अभी कटिंग होने के बाद हमने जो एल्यूमिनियम या फिर लोखंड के जो दांत रेडी करके रखे हैं, उन्हें हमें इन कटिंग्स में ठोक देने हैं। सारे दांत जो है वो एक ही लेवल में रखने का कोशिश करना है। तो जब आपके सारे दांत ठोक कर हो जाएंगे, तभी आपको एक बैंजो पे अपना एक तार इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी मदद से आप आपके बैंजो पे ट्यूनिंग कर सकते हो। तो अभी ये ट्यूनिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो हार्ड है पर इतना हार्ड नहीं होता, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा पहला रीड होता है वहाँ से लेकर जो हमारा बैंजो का मेन तार का ब्रिज रहता है वहाँ तक का डिस्टेंस आपको 5 इंच रखना है। तो पहले डायग्राम के मदद से, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो ये हाइट है हमें रखना है 17 mm, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपका रीड पट्टी का साइज आगे आगे छोटा होते जाएगा। तो ये लास्ट का जो पॉइंट है वो है हमारा 11 mm। तो इस हिसाब से आपको एलिवेशन आपके रीड पट्टी को दे देना है। तो ये मेजरमेंट से आपकी रीड पट्टी दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगी। गाइस, अभी अज्यूम कीजिए कि ये हमारा रीड पट्टी है और ये हमारा बटन है, और ये जो है हमारा मेन तार है। तो ये जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली जो रीड है इसके ऊपर हमारा तार टच होगा। तो यह ये पॉइंट से लेकर जो हमारा स्टार्टिंग का लंगोट रहेगा वहाँ तक का जो स्ट्रिंग है हमारा तार है उसका आवाज़ आएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा ही कुछ एल्यूमिनियम का या फिर स्केल बटन के दौर पर काम करने वाला चीज़ ले लेना है, और आपको यहाँ पर टच करके आपको स्ट्रिंग मारना है। अगर आपको क्लियर साउंड आता होगा तो आपको अज्यूम करना है कि ये वाला रीड सही है। अभी समझो आप ये वाले रीड पे टच करते हो और यहाँ से आवाज़ चेक करते हो, आवाज़ अगर क्लियर नहीं आता तो आपको चेक करना है कि कौन सी रीड इस ये रीड के आगे वाली कौन सी रीड आपके तार को टच हो रही है जो कि आपका साउंड डिस्टर्ब कर रही है। तो वो वाले रीड को समझो, ये वाला रीड आपका डिस्टर्ब कर रहा है तार को आपके, तो ये वाले रीड को आपको थोड़ा फाइलिंग करके थोड़ा नीचे कर देना है या फिर हथौड़ी से ठोक देना है थोड़ा नीचे, ताकि वो रिटर्न लग नहीं पाए और आपका साउंड क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही आपको सारे रीड चेक कर लेने हैं, आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं वो। जो रीड पट्टी फिट करने के बाद आप जब तार लगाते हैं, तब स्वर चेक करने के लिए आप जब आप स्वर छेड़ोगे तो आप एक चेक कर लेना, एक ये एल्यूमिनियम की पट्टी है, एल्यूमिनियम की पट्टी के साथ पट्टी यहाँ पर लगा के चेक कर लेना स्वर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये जो अपनी दांत जो रहते हैं, दांत की जो हाइट रहती है वो लेवल रहना चाहिए। जब अपना बैंजो की तार जब टच होती है दांत को, तो दूसरे दांत दांत को सपोज टच होने हो जाएगी, तो अपना जो आवाज़ है वो आवाज़ बराबर नहीं आएगा। अब देख लेना, एक चेक कर लेना, ऐसा आवाज़ बराबर आ रहा है क्या। तो गाइस जैसे कि आपने जस्ट देखा कि रीढ़ पट्टी का जो हमारा ट्यूनिंग है वो कैसे किया जाता है, वैसे ही आपको सारे रीढ़ पट्टी कर लेनी है। पूरी रीढ़ पट्टी आपको इतनी क्लीन करनी है कि सारे बटन्स के साउंड आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर आए, और अनक्लियर साउंड कानों को तकलीफ़ देता है, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि वो साउंड कैसे बजता है। जिस कौन सी भी रीढ़ पर आपको बेसुर आवाज़ आता है, तो उस रीढ़ से आगे जितने भी रीड है उसमें से कौन सी रीड टच हो रही है अपने तार पे, वो आपको देखकर उस रीड पे आपको फाइल मारकर या फिर हथौड़ी मारकर उसको अंदर थोड़ा ठोक देना है, ताकि वो रिटर्न हमारे तार को डिस्टर्ब ना कर पाए। बस यही रहता है ट्यूनिंग में, आपकी पूरी रीड पट्टी ऐसे ही आप ट्यून कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। पूरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया ही होगा। बात होती है बैंजो के ट्यूनिंग में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप भी घर बैठे अपना बैंजो ट्यून कर पाएंगे। और ऐसे ही बैंजो के सिंगल सिंगल पार्ट्स, जैसे कि हो गया हमारा रीड पट्टी, बटन पट्टी, बैंजो का बेस, बैंजो का जो चावी रहता है उसका ब्रिज, ये सब सिंगल सिंगल टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम वो वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।